गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने सेवन्थ में चैप्टर वन का एक्टिविटी एट पढ़ा था और इसमें आपको मैंने ये होमवर्क दिया था जिसमें आपको ये लिखना था। और उसके बाद हमने देखा था एक्टिविटी नाइन जिसमें आपको ये सब इसमें लिखना था कि हमारे आसपास की कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं और किस तरह वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट है। और उसके बाद है नीचे एक्टिविटी दी हुई थी, ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो हम करते हैं जिससे कि हमारे बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो आपको लिखना था। उसमें आपको लिखना था जैसे हम पेड़ को कट करते हैं, कटिंग ट्रीज करते हैं, तो उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, लेस रेनफॉल होता है, हीट इंक्रीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। ऐसे ही आपको अलग अलग चीज़ें इसमें लिखनी थी। उसके आगे है हमारा एक्टिविटी टेन। एक्टिविटी टेन में क्या है, हमारे यहाँ पे अलग अलग बायोडाइवर्सिटीज़ के पिक्चर है जिसमें हमको अलग अलग एनिमल, प्लांट, फ्लावर, इंसेक्ट्स देख सकते हैं। आप इसको देख सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ आप देख सकते हो कि यह है फिश, यहाँ बर्ड है, ये इंसेक्ट है, बटरफ्लाई ले सकते हो आप, ये जैसे एक बर्ड यहाँ है, ये लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, यहाँ पे कैक्टस जो डेजर्ट एरिया में होता है वो, यहाँ एनिमल है, मतलब सारे तरह के क्रिएचर्स इसमें, मोस्ट ऑफ क्रिएचर्स इसमें दिखाए गए हैं जो कि आपको एक बार देख लेना है। अगर आप इसमें ना दिखता हो तो आपके पास बुक है, बुक में भी देख लो, और जिसके पास बुक ना हो वो किसी से लेके देख लेगा, ठीक है, लेकिन देख लेना एक बार। यहाँ क्या लिखा है, आगे की एक्टिविटीज़ में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि कुछ लोग पानी बचाते हैं और कुछ नहीं बचाते हैं। आप में से ही कई लोग होंगे जो पानी को सेव नहीं करते होंगे, वाटर यूज़ होने के बाद भी टैप चालू ही रहता होगा, उसके बाद एनर्जी भी नहीं बचाते होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो गई या अदर एनर्जी हो गई, उनको कोई सेव नहीं करता है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या करना है आपको, ये अलग अलग पॉइंट्स इसमें से लिखने की, आपको इसमें से क्या दिख रहा है ये है। फिर आपको इसमें से देखने में आएगा कि बहुत सारे इसमें से इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो पहले हमारे आसपास शो होते थे लेकिन अब नहीं दिखते, मतलब पहले दिखते थे अब नहीं दिखते, क्यों, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे हो गए हैं जो ख़त्म होने वाले हैं। जैसे आपने कुछ समय पहले देखा होगा न्यूज़ में आया था कुछ एक बर्ड का जो कि असम में दिखाई देता है, 100 ईयर ऐसे समथिंग बाद वो दिखाई दिया था। इसमें है हमारे आसपास ऐसी क्या है जो हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें आप लिख सकते हो वाटर सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करनी चाहिए, फैन को स्टार्ट करके नहीं रखना चाहिए, जब यूज़ ना हो तो फैन को ऑफ कर देना चाहिए, यही चीज़ें सब आपको इसमें लिखनी है। और इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, ये जो लिंक है उसमें मेरा नंबर मिल जाएगा जब ये वीडियो लिंक होगा। तो नेक्स्ट है आपका यूनिट टू, चैप्टर टू, इसमें है हाउ थिंक वर्क्स, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो काम कैसे करती हैं। तो इसमें एक्टिविटी वन में है हमारे साइंस के पार्ट्स हैं जिसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट आपको पता ही होगा, जब भी लाइट एक जगह पे इमिट होती है, गिरती है, तो वो वहाँ से मुड़ जाती है, और जो मुड़ने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसके बाद है हमारा फोटोन। फोटोन क्या होता है,
हम सब लाइट का या टॉर्च का यूज़ करते हैं, तो टॉर्च में क्या होते हैं, बहुत सारे लाइट के रेज होते हैं, लेकिन जब हम एक रे को कंसिडर करें, सिर्फ एक रे पे हम ध्यान रखें, तो वो एक रे क्या कहलाई जाएगी, फोटोन कहलाती है। उसके बाद है एंगल। एंगल आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, जो जिस एंगल पे मुड़ता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ये सब। तो इसमें कुछ आपको पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हो। हाउ डज इट डू दैट, मतलब उसने ये कैसे किया। जैसे इसमें आपको दिया गया हो कि कई बार आप देखते होंगे कि आपके सामने मिरर हो, मिरर क्या करता है, आपके फेस को ही पूरा रिफ्लेक्शन अंदर दिखाता है। जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाता है। जैसे कोई से का सवाल होगा, जब हम मिरर में नहीं देखते तो मिरर का क्या काम होता होगा ऐसा। या कई बार आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो मिरर में क्या होती है, बड़ी या छोटी दिखाई देती है। जिस इसमें दिया है, फॉर एग्जाम्पल साइड मिरर इन सेम कार सेज ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपियर। अब गाड़ियों में जो कांच होता है उसमें देखा होगा आपने, जो वस्तुएं या जो व्हीकल हमारे गाड़ी से दूर होते हैं वो भी उसमें क्या करता है, ये पास में शो करता है। ऐसा क्यों? एंड वॉट अबाउट द मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो किस काम में आता है, जिससे हम जूम करके देखते हैं। ये आपको माइक्रोफोन में हो, फोन में भी होता है, कई बार आप फोटो लेते समय जूम करते हो। दूसरा कैमरे के लेंस में होता है, पिक्सल आपने सुना ही होगा। तो ये चीज़ें ये सब कैसे करती हैं यही आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें खुद अपनी एक थ्योरी बनानी है कि इसमें ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है और क्यों होता है, उसमें रिफ्लेक्शन क्यों होता है, रिफ्लेक्शन में जो मिरर होता है, बैक मिरर होता है, उसमें व्हीकल पास में क्यों दिखाती है, और नेक्स्ट कि कैमरा जो होता है, कैमरे का जो या माइक्रोफोन हो गया, उसमें जो लेंस होता है, या तो बोल सकते हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो किस तरह वर्क करता है। तो ये सबको आपको खुद अपने मन से एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है। उसके बाद हम आगे इसमें डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।